दलित बस्ती में आग, दबंगों पर आग लगाने का आरोप, कई राउंड गोली भी चली, खौफ के बीच कटी रात। मिल जाएगा हम लोग 7,00,000 रुपया दादा ले लिया और बात तो सबके जर गेल। नवादा के मुफसिल थाना क्षेत्र के देदौर पंचायत के कृष्णनगर स्थित दलित बस्ती में आग लगने की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद का नजारा बिल्कुल भयावह था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार गांव में कैंप कर रही है और क्षति का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 2 दर्जन से अधिक मवेशी झुलस गए हैं। ग्रामीण पूरी तरह से भय के माहौल में है। बता दें कि दलित समुदाय से ही दबंग लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो पड़ोस के ही गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीणों ने प्राणपुर गांव के मुनि पासवान और उसके सहयोगियों पर घर जलाने का आरोप लगाया है, जहां घटना के वक्त गोलीबारी करने का भी आरोप लगाया गया है। पूरा मामला जमीन के विवाद को लेकर बताया जा रहा है। वहीं SP अभिनव धीमान ने शुरुआती दौर में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जी, अभी तक जो सूचना मिली है, करीब 7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं, जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिलके रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा, तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक खोखा हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है, हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है, साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी, हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा घटना का अंजाम उनके द्वारा क्यों दिया गया, क्या वो जमीन का क्या कुछ विवाद था, क्या सामने निकल कर आया? जैसा DM साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ही ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोग और गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में, बता रहे को दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी, जैसा आपको पहले बताया कि यहाँ मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा, और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से, तो जरूर हमारे साथ आ जाए। सर, अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक? जैसा आपको, दरअसल कृष्णनगर में कई सालों से दलित परिवार के लोग बिहार सरकार की जमीन पर बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर दूसरे पक्ष का भी इस पर दावा किया जाता रहा है। इस दौरान पूरा मामला न्यायालय में लंबित है। इसी दरमियान घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें जिला अधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने अब तक कुल 21 घरों के जलने की पुष्टि की है। तो यहाँ पर सामने कुछ थोड़ा सा नीचे घटना हुई है, इलो थोड़ा सा नीचे, और 21 घर जले हैं। तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए, 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। यहाँ की और यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई। कितने की गिरफ्तारी? 10 आदमी। 10 की गिरफ्तारी। सर, एक सवाल है कि यहाँ पर परिवार के लोग बता रहे थे 80 परिवार के जो लोग हैं और सभी घर में आग जलाया गया, अब तक कितने आप लोग, आपने बताया तो अब तक कितने घर में क्या तोड़फोड़ भी हुई है, सामान जली है, क्या किसी कोई? देखिए, 21 घर कन्फर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा हम लोग विशेष रूप से आकलन कर लेते हैं। सर, घटना का कारण क्या है? घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से एक टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। चलिए, हमारे साथ वहीं बिहार के नवादा में हुई बड़ी घटना पर बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार ने कहा कि इस घटना के पीछे कोई भी हो कार्रवाई होगी। अभी अभी बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। मैं जनक चमार स्पष्ट प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी एनडीए की सरकार में राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में कमजोर वर्ग और अनुसूचित जाति दलित महादलित परिवार के लोग सुरक्षित है। अगर किसी की कुत्सित मानसिकता दिख रही है तो ये सरकार उन दबंगों की कानूनी कार्रवाई करके निश्चित रूप से दलित समाज को रहनुमाई करने की काम करेगी। अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी, लोगों के रहने और खाने का सारा सामान जल चुका है। इस घटना के बाद देर रात से ही इलाके में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस मामले में अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नवादा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।